कर्ज माफी के मुद्दे पर भाजपा ने हल्ला बोलते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि सिर्फ सहकारी बैंकों का ही नहीं सभी नेशनल बैंकों से लिया किसानों का कर्ज भी माफ किया जाए। प्रदेश में नई सरकार के गठन हुए एक पखवाड़ा बीत चुका है। प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस ने चुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। उन्होंने इस वादे को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अब तक जितने भी कर्ज माफ किए गए हैं जो सिर्फ सरकार के सहकारी बैंकों से लिया गया ऋण है। किसानों द्वारा दूसरे नेशनल बैंक से लिए कर्ज भी अभी यथावत हैं। ये बातें भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक चालवानी ने ज्ञापन सौंपने के दौरान मीडिया से हुई बातचीत में कही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 दिन के अंदर किसानों को कर्जा माफ बोला था। उन्होंने कर्जा माफ तो किया है, लेकिन कर्जा माफ जो हुआ है ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का हुआ है। जो नेशनल बैंक राष्ट्रीय पंजीकृत बैंक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों का ऋण माफ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक है वो सिर्फ 20% ही लोगों का वहाँ पे लोन है, 15-20%। 80% लोन राष्ट्रीय बैंकों का लोन है। हम यह चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने जो वादा किया उसको पूरा करे और किसान पूरे किसानों का जो राष्ट्रीय बैंक में भी कर्ज उसको भी माफ करे। चावलानी ने कर्ज माफी को झुंझुना करार देते हुए कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में इस वादा खिलाफी को लेकर आंदोलन तेज करेगी। उनका साफ कहना था कि सहकारी बैंक जहां से किसानों ने महज 15-20% ही ऋण लिया है उन्हें माफ किया गया, जबकि शेष 80% कर्ज जो कि पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, SBI और इलाहाबाद बैंक जैसे राष्ट्रीय बैंक है वहां के कर्ज पर कांग्रेस कोई बात नहीं कर रही है। चावलानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी किसानों की पाई पाई कर्ज सरकार माफ करे, वरना वो प्रदेश भर में इस फैसले के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने इससे जुड़ा एक ज्ञापन सीएम भूपेश बघेल के नाम कोरबा कलेक्टर कार्यालय को भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। किसानों की माफी को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर है। ये कार्यक्रम जो है स्टेट लेवल का है, ये इनके ज्ञापन हम शासन के तरफ भेजेंगे। ऑलरेडी कर्ज माफी हो रहा है सर, इसमें क्या उल्लेखित है, किस तरह की कर्ज माफी की बात करें, किस तरह की वो उसको हम नहीं कहें तो वो स्टेट लेवल की बात है। जो ज्ञापन है उन्होंने वही दिया है कि अभी नेशनल बैंकों का नहीं हुआ है, नेशनलाइज बैंकों का, उसके बारे में खासतौर पर लिखा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।